बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको चने और माश की दाल बनाना सिखाएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, एक सर्विंग स्पून घी शामिल करेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, मैं घी में बना रहा हूँ। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे सारी प्याज को। प्याज निकाल लिए, इसे अलहदा से रख देंगे। अब इसी घी में एक टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, ये शामिल कर देंगे। एक टीस्पून पिसा धनिया, एक चुटकी जितना हल्दी, एक टीस्पून नमक, नमक आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो हल्का सा पानी शामिल कर दीजिए ताकि मसाले जले ना। मसाला हमारा भुन चुका है, हम इसमें ये दाल शामिल करेंगे। आधा पाव मैंने चने की दाल ली है और आधा पाव मैंने माश की दाल ली है। इन्हें मैंने साफ करके दोनों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो एक घंटे के लिए भिगो दें, अगर भिगोना नहीं चाहते, अगर इमरजेंसी पकड़ बना लें तो आप धोकर इसे चढ़ा दीजिए। इसे शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे इतना कि दाल हमारी डूब जाए। अब हम इसे तेज आंच करके उबाल आने देंगे और इसे कवर कर देंगे। जब उबाल आ जाएगा हम इसकी आंच दरमियानी कर देंगे और दाल पकने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखें हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं हम। दाल चेक कर लेंगे हम कि दाल हमारी गली है या नहीं। तो देख सकते हैं दाल हमारी दोनों गल चुकी है अच्छे से। अगर आपकी दाल ना गली हो तो आप हल्का सा पानी शामिल करके दोबारा से दम पर लगा दें। फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। अब हम इसमें ये 6 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कट करके डालें, वरना ऐसे ही डाल दें, मुझे साबुत पसंद है। और ये जो प्याज ने फ्राई करके रखी थी ये ऊपर से डाल देंगे हम। थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। छः से आठ अदद साबुत गोल मिर्चें मेरे पास कम थी तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे। हरा धनिया शामिल कर देंगे थोड़ा सा। तो ये रेडी है, बस हमें से 2 मिनट के लिए दम देना है कवर करके। 2 मिनट हो चुके हैं, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाता हूँ, हमारी दाल रेडी है। ये देख सकते हैं आप, दाल हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। देखें आप, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है और मेरी फेवरेट दाल है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं और साथ में अचार भी, अचार के साथ खाएं किसी भी चटनी के साथ, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। बिना अचार बिना चटनी के भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो सेम इसी तरह से आप बनाइएगा तो ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी से बन जाती है, झटपट बन जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।